अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके चैनल पे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर हाजिर है। एक इंटरेस्टिंग यह शॉर्ट टॉपिक पे आज की वीडियो में बात करेंगे, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिहाइंड अल्ट्रा एज, यहाँ पे जो क्रिकेट में यूज़ होता है, जिसकी वजह से थर्ड एम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से यहाँ पे जो है वो डिसीजन ले पाता है कि बैट्समैन आउट है कि नहीं, एज लगा है कि नहीं। तो आज की वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा कि क्रिकेट टी वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बाकी PSL, IPL, BPL, हम एशियन लोग जो है वो क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन लोगों को नहीं पता होता, उस पर बात होनी ही चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो आपने कभी सोचा है कि इतनी ज़्यादा जो है वो आवाज़ें, इतना ज़्यादा शोर यहाँ पे लोग जो है वो चेयर कर रहे हैं, खिलाड़ियों का आवाज़ और यहाँ पे दूसरी सारी चीज़ों का आवाज़ जो स्टेडियम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंसर है, कौन सा ऐसा माइक है जो कि बैट और बॉल के बीच में जो है एज का जो है डिटेक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगी कि या तो सेंसर लगा हुआ है बैट पे या तो सेंसर लगा हुआ है बॉल के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों चीज़ों में से सेंसर लगा हुआ होता किसी एक चीज़ में भी तो उस चीज़ की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती, लेकिन यहाँ पे एक सेंसिटिव माइक लगा हुआ होता है विकेट के बिल्कुल पीछे या कभी कभी विकेट के साथ भी अटैच हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी जो साउंड वेव्स है माइक जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो साउंड ट्रैक को जो है वो एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे एज डिटेक्शन कहते हैं, और यहाँ पे क्लीन किया जाता है उस ऑडियो को, और सिर्फ बैट को बॉल से टकराने वाला जो एज का जो साउंड होता है वो रहता है, और उसे फिर वीडियो के साथ सिंक किया जाता है और थर्ड एम्पायर को दिखाया जाता है, जिसकी मदद से थर्ड एम्पायर बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है वो यहाँ पे डिसीजन कर पाता है कि बैट्समैन आउट है या नहीं। यहाँ पे वो माइक जो है वो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस टेक्नोलॉजी के पीछे। यही था, बहुत ही ज़्यादा आसान था ये अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी को समझना, लेकिन लोग को नहीं पता था। यहाँ पे लोग जो है वो क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं फिर भी उन्हें इस बेसिक टेक्नोलॉजी का नहीं पता था। तो होप्सो इस वीडियो के बाद आप सबको पता लग गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।